is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. Finally, offline colleges are on. Offline exams भी होने वाले हैं first years के. And all the self-finance courses. When you talk about BMM, BMS, BBI, BAF, इन सब का practicals जो होता है या internals जो होता है उसमें presentation is a very important factor. पिछले एक दो सालों से तो आप ऑनलाइन कर रहे हो, 11, 12th में आपने क्लास से इंटरैक्ट नहीं किया. सो व्हेन इट कम्स टू गिविंग एन ऑफलाइन प्रेजेंटेशन, देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग. सो एज आई प्रॉमिस दैट आई विल टेल यू व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर अबाउट टू गिव योर ऑफलाइन प्रेजेंटेशन व्हिच यू गेट योर इंटरनल मार्क्स. इट डिपेंड्स लाइक योर टीचर इज गिविंग यू 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स. सो यस गाइस, टुडे वी गोना टॉक अबाउट presentations and class presentation, offline presentation, jo bhi aap usse bolna chaho. Let's start with challenges. The first and the most important challenging thing for every student is a technical thing, be it mic, be it the laptop. Because what I have seen, my students most of the time pen drive mein file copy karte hain but shortcut copy karte hain. So now this challenge, how you will overcome? सिंपल है कि आप जब भी कॉपी करो उसको दो बार चेक कर लो वेदर यू हैव कॉपीड द एक्चुअल फाइल कि आपने शॉर्टकट कॉपी किया है. एंड बिफोर योर प्रेजेंटेशन इफ यू मेक श्योर दैट द लैपटॉप इज वर्किंग, द प्रोजेक्टर, द स्क्रीन, एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग देयर टू प्रेजेंट एंड यू आर लाइक सपोजिटली आपका पहला नंबर आ जाता है एंड यू आर लाइक ओ शिट द लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, प्रोजेक्टर नहीं दिख रहा है सही से, माइक इज नॉट वर्किंग, द स्पीकर इज नॉट ऑन. सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये टेक्निकल चैलेंजेस आपके पास ना हो एंड यू नो योर कॉलेज सिस्टम और वेर एवर यू आर गिविंग द प्रेजेंटेशन, सॉर्ट आउट ऑल दिस टेक्निकल स्टफ बिफोर यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन. ये तो हो गया आपका चैलेंजेस. Now let's move on to your content. Okay, so when we talk about first point hamara ho gaya ki tech is done. Second, we move on to your content. When you are preparing your PowerPoint slides, आप present कर रहे हो तो of course आप PDF लेके नहीं जाओगे, आपका content होगा PPT format में. There's one video which I have made, how you can make your presentations. मतलब रेडीमेड स्लाइड्स है आपका कोई भी टॉपिक है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे दैट शुड बी इन अ पॉइंटर फॉर्मेट. मतलब आपकी पीपीटी क्लटर्ड नहीं लगना चाहिए, बहुत सारा टेक्स्ट नहीं यूज करना है, इमेजेस अप्रोप्रिएट होनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम जो भी इंफॉर्मेशन आपने पीपीटी पे डाला है वो आपको थरोली पता होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने रेडीमेड पीपीटी ले ली, आप सिर्फ रीड आउट कर रहे हो, दैट इज अ वेरी बैड प्रेजेंटेशन. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. कॉन्टेंट में पीपीटी के साथ आ जाता है आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपका थरो रिसर्च एंड इफ यू हैव डन योर रिसर्च कीप इट सिंपल. इफ यू कीप इट सिंपल यू आर सॉर्टेड विद द कॉन्टेंट पार्ट टू. थर्ड पॉइंट कम्स इन इज योर बॉडी लैंग्वेज. आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अपने ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करती हूँ. इफ आई स्टैंड स्ट्रेट एंड टॉक टू यू ब्ला 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 ब्ला, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू मी. सो इफ यू आर प्रेजेंटिंग यूर यू हैव टू मेक श्योर दैट योर बॉडी लैंग्वेज इज राइट, यू मेक एन आई कॉन्टैक्ट टू योर ऑडियंस एंड एट द सेम टाइम बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ कम्स योर ड्रेसिंग. Why dressing is important? Because the first impression जो देखते ही आ जाता है वो कहीं ना कहीं आपके attire पे भी होता है. If you are a management or a technical student, you have to make sure that you wear formals. But if you are a BMM student, your subjects are quite different. Sometimes you are presenting a topic which is about stereotype, which is about culture. You can dress according to your topic as well. But you have to take care कि आपने बाल ऐसे बांध नहीं रखे हैं, you know, shirt का button खुला है. All those things are a little bit of a put off when you are presenting because there's an audience, आपको उन्हें respect देना ही पड़ेगा. So you have to take care of these small things. So body language and dressing is the third point. Fourth point comes is your introduction, your intro and conclusion. अब इंट्रो एंड कंक्लूजन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रेजेंटेशन के. बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर टॉपिक दैट्स वेयर यू कैच द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस. इफ यू फेल टू डू दिस योर प्रेजेंटेशन विल गो डाउन. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू योर ऑडियंस दैट व्हाई यू आर हियर. सो दैट 15 सेकंड्स इज वेयर यू एक्सप्लेन योर टॉपिक टू योर ऑडियंस एंड योर द अटेंशन एंड दैट्स वेयर यू लीड योर ऑडियंस टू द कंक्लूजन. कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जस्ट थैंक यू बोल दिया वैसे नहीं होता है. यू हैव टू लिटरली ग्रीट योर ऑडियंस एंड टेल देम दैट यू नो थैंक्स फॉर लिसनिंग, आई होप यू लाइक इट एंड मेक श्योर यू हैव लास्ट 2-3 मिनट्स फॉर Q&A. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आपको पूछ सके. सो दिस टू विल एड ऑन टू योर पॉइंट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन. द फिफ्थ पॉइंट
The most crucial one is your time management. And उसके बाद आ जाता है sixth is practice, which is the last point. And why I mention these two things together, मैंने अलग अलग नहीं बताया इसलिए because अगर आप टाइम मैनेज करोगे वो प्रैक्टिस से ही आपको आएगा. नाउ टाइम मैनेजमेंट व्हाई? बिकॉज द अटेंशन स्पैन ऑफ द ऑडियंस इज लिटरली लेस. अगर आपको अच्छा लगता है इसका मतलब आप बोलते जाओगे, वैसे नहीं होता है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली. मतलब हर बार अगर आप दो मिनट बोल रहे हो उसके बाद लाइक यू नो देर शुड बी सम पीक पॉइंट. मतलब आपने कुछ वीडियो प्ले कर दिया, आपने कुछ ऐसे इमेजेस दिखाए जिससे यू नो अगेन द ह्यूमर, यू हैव टू मेक श्योर कि वो ह्यूमर वो पीक पॉइंट आपके प्रेजेंटेशन में आते रहना चाहिए. अगर 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है, एक मिनट के बाद ऑडियंस ना स्विच ऑफ हो जाता है. सो दैट्स हाउ यू डू अ टाइम मैनेजमेंट कि आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं जा रहे हो आगे. एंड वो 10 मिनट में आप अपने ऑडियंस का अटेंशन कैसे रखते हो. अब आ जाता है प्रैक्टिस. अगर आपने टाइम मैनेज किया है तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप 10 के जगह 20 मिनट नहीं बोल रहे. सो प्रैक्टिस इज योर लैंग्वेज, योर यू नो द स्पीच. मतलब कि ऐसे नहीं आप बहुत फास्ट बोल रहे हो कि कुछ समझ ही ना है, आप इतना स्लो दूरदर्शन की तरह बोल रहे हो कि ऑडियंस बोले यार क्या पका रहा है. सो यू हैव टू टेक केयर, नॉट वेरी स्लो, नॉट वेरी फास्ट काइंड ऑफ अ थिंग. यू हैव टू बैलेंस आउट. और वो आएगा प्रैक्टिस करने के बाद ही. एंड द वे यू इंटरैक्ट विद योर ऑडियंस, द बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग विल कम. सो प्रैक्टिस में ये जो भी पॉइंट्स हमने 5 पॉइंट्स किए ना, ये सारा चीज आपको मेक श्योर करना है दैट यू प्रैक्टिस. एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू एस इन योर प्रेजेंटेशन. लेट मी टेल यू, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए, इट्स नॉट लाइक इम्प्रेस वाला पॉइंट, बट योर क्लास विल लिटरली रिस्पेक्ट यू दैट यू हैव टेकन केयर ऑफ दीज थिंग्स. एंड नॉट ओनली स्कोरिंग मार्क्स, इट्स अबाउट दिस इज द टाइम वेर यू गेट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट, टू शोकेस दैट वॉट योर पोटेंशियल इज. आई नॉट मेक यूज ऑफ इट 100%. जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हो सकता है ये बेसिक प्रेजेंटेशन हो आपके लिए, बट टीचर्स और यू नो योर प्रिंसिपल माइट लाइक योर प्रेजेंटेशन एंड ऑफर यू बेटर यू नो प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग. दिस हैज हैपेंड विद माई स्टूडेंट्स. सो प्लीज टेक योर प्रेजेंटेशन सीरियसली. मार्क्स तो चलो है, मार्क्स इज वन ऑफ द फैक्टर, बट फॉर योर सेल्फ इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, to increase your knowledge. So invest your time wisely and research properly and practice and follow these points. And yes, your presentation is sorted. I hope guys the video was helpful. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.